वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। दिस इज़ प्रगति गुप्ता। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आज है संडे और संडे को आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो आज पहला संडे है और आज आपकी पहली क्लास है वीकली करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अभी नमस्ते योग मोबाइल ऐप है ये। अभी कल 21 जून है तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, उसी के लिए इन्होंने अभी आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आयुष जो होता है वो आपका ये होता है आयुष। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना। चाइना को भी नाटो के नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। चीन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। आइए नाटो के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? एक मिनट। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील को अभी यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है और अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया को भी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है यूनाइटेड नेशंस में 2 साल के लिए, और अभी ब्राज़ील को चुन लिया गया है। तो ब्राज़ील की कैपिटल देख लेते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील की करेंसी है रियल। और यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं आपके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 5 मेंबर्स हैं आपके यूएस, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस। ये 5 आपके यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं, जिसमें अभी इंडिया को चुना गया है और अब ब्राज़ील को भी चुन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आज का आपका, हाल ही में विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने। अभी विनेश फोगाट हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये रेसलर हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि प्लेयर्स का कि किस खेल से बिलोंग करते हैं या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैंने देखा है SSC में भी पूछा जाता है और भी एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विनेश फोगाट हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये रेसलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में WHO तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य कौन बने हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा अभी WHO में तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य बने हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी तो इसलिए 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कहाँ पे अभियान शुरू हुआ है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों, केरल और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में अभी तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए अभियान शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, मई 2021 के लिए
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? अभी आईसीसी ने ये 2021 से ये नया नियम शुरू किया है कि हर महीने किसी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाएगा। जनवरी से ये दिया जा रहा है, अभी मई का दिया गया है मुशफिकुर रहीम को। मुशफिकुर रहीम ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, इनको अभी दिया गया है मई महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आईसीसी के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में और हेडक्वार्टर है इसका दुबई में। इतना आपको आईसीसी के बारे में डिटेल्स जाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निर्मल मिल्खा कौर का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉलीबॉल से संबंधित थी निर्मल मिल्खा कौर। इनका अभी निधन हो गया है, ये वॉलीबॉल से रिलेटेड थी, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्लेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इनका नाम और ये किस खेल से बिलोंग करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार ने अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की घोषणा की है। बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये। इन्होंने अभी यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 50 लाख दवा किट बांटने की घोषणा की है? तो ये अभी किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 50 लाख दवा की किट बांटने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं यहाँ की आनंदी बेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में लवलीना बोरगोहिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला हैं? ये हैं लवलीना बोरगोहिन, ये असम से बिलोंग करती हैं। लवलीना बोरगोहिन जो हैं ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी हैं असम की। असम की चीफ मिनिस्टर अभी नए बने हैं, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर नए बन गए हैं अभी हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो अभी इनका नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने शायद क्वालिफाई किया है, हाँ टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, ये असम से बिलोंग करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने गेलफेड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? ये जीता है आपका डी गुकेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। गेलफेड चैलेंज चेस का खिताब जीता है डी गुकेश ने। डी गुकेश अभी ये बहुत ही कम उम्र के हैं और इन्होंने अभी गेलफेड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया टॉप पे रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में और अपना देश भारत इसमें 14वें नंबर पे है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया की रैंक भी पूछी जाती है और टॉप पे कौन रहा है ये भी पूछा जाता है। इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एकदम श्योर है कि इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी का एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम देखिए, आप इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने देश भारत की रैंक और टॉप पे कौन रहा है ये दोनों तो एकदम मस्ट याद रखना है आपको। तो इंडोनेशिया टॉप पे रहा है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किया है अभी असम गवर्नमेंट ने अभी अपने यहाँ भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है। यानी भारत रत्न की जगह असम में अब असम रत्न और पद्म पुरस्कारों की जगह असम श्री, असम विभूषण और असम भूषण दिए जाएंगे। ये असम गवर्नमेंट ने किया है। अब असम में ये पुरस्कार दिए जाएंगे अब से भारत रत्न की जगह असम रत्न और पद्म पुरस्कारों की जगह असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका अभी केन्या में अभी महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी और केन्या की करेंसी है केन्याई शिलिंग। इतना आपको केन्या के बारे में ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है अभी केन्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक लिखी है सुरेश रैना ने। सुरेश रैना की पुस्तक है ये बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बुक्स से भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बुक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्रिकेटर हैं सुरेश रैना तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम आपको और इनकी किताब का नाम दोनों ही ध्यान रखना है कि ये सुरेश रैना की बुक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए किसे चुना गया है? तो IAMAI की अध्यक्ष बने हैं अभी AK सीकरी। इनको चुना गया है अभी IAMAI की अध्यक्षता करने के लिए। ये अध्यक्ष बन गए हैं इसके नए। IAMAI का फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये IAMAI का फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष बन गए हैं अभी AK सीकरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अभी न्यूजीलैंड में अभी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करने की बात कही है। अब न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। तो न्यूजीलैंड अभी अपने यहाँ लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है अपने यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किसे भारत में WTO मिशन में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं अभी WTO मिशन में निदेशक के रूप में बने हैं आशीष चांदोरकर। इनको अभी WTO मिशन में निदेशक के रूप में नामित किया है भारत सरकार ने। इनका नाम आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले GATT के नाम से जाना जाता था लेकिन 1995 में इसकी स्थापना की गई और इसको WTO नाम दिया गया यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इतना आपको WTO से रिलेटेड भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछकर उसका स्टैटिक GK पूछ लिया जाता है तो इसलिए मैंने उसको भी इंक्लूड किया है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। WTO से रिलेटेड इतनी जानकारी है और ये सब कुछ पहले इसको GATT के नाम से जाना जाता था। ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ डेविड बुजचेया कोडा का निधन हुआ है? ये थे राष्ट्रपति जाम्बिया के ये पहले राष्ट्रपति थे केनेथ डेविड बुजचेया कोडा। इनका निधन हो गया है अभी। अब जाम्बिया की कैपिटल है बंजुल और जाम्बिया की करेंसी है डलासी। कुछ ऐसे देश होते हैं जिनकी करेंसी और कैपिटल चर्चा में नहीं रहती है लेकिन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ऐसे ही देशों का पूछ लिया जाता है कैपिटल और करेंसी और फिर हम लोग सोचते हैं कि कहाँ था ये देश, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कैपिटल है जाम्बिया की बंजुल और करेंसी है डलासी। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे ये, इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये हैं आपके सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और अभी इनको माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चेयरमैन बना लिया है, चेयरमैन नियुक्त कर लिया है सत्या नडेला को। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर में 400 करोड़ रुपए के लागत के विश्व स्तरीय बस स्टेशन को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला विश्व स्तरीय बस स्टेशन को मंजूरी दी है। अयोध्या जब से राम मंदिर बन रहा है तब से अयोध्या बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो अयोध्या को तो आप लोगों को वैसे भी जानकर याद रखना ही है सब कुछ, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ राम मंदिर बन रहा है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने की बात हुई है और अभी तो विश्व स्तरीय बस स्टेशन भी बनने की मंजूरी हो गई है, तो अयोध्या काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी भी आनंदीबेन पटेल ही हैं। जब से लालजी टंडन का निधन हुआ है तब से आनंदीबेन पटेल ही यहाँ का कार्यभार संभाल रही हैं, अभी किसी को नया राज्यपाल यहाँ का बनाया नहीं गया है, अभी आनंदीबेन पटेल ही हैं, तो अभी के लिए तो उन्हीं का नाम ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंकित चौहान। अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है बीसीसीआई ने। एक्चुअल में इनके ऊपर आईपीएल ने बैन लगाया था, आजीवन बैन लगाया था, लेकिन अभी बीसीसीआई ने इस बैन को हटा दिया है, आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है, तो अब ये खेल सकते हैं, अब ये आईपीएल में भी खेलेंगे और बाकी में भी शायद खेलेंगे ही, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई ने अभी इनके ऊपर से आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है, अंकित चौहान इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो वैश्विक शांति सूचकांक में आपका आइसलैंड टॉप पे रहा है और कई बार से आइसलैंड ही टॉप पे रह रहा है इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और अपना देश भारत इसमें 135 नंबर पे है, 135 नंबर पे है भारत और आइसलैंड टॉप पे है। आइसलैंड जैसे आइस होता है, ठंडा ठंडा होता है बिल्कुल, वैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि आइसलैंड ठंडा है तो बिल्कुल शांत देश है और इसलिए आइसलैंड टॉप पे है वैश्विक शांति सूचकांक में, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बनी हैं? ये हैं आपके अरुणा तंवर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणा तंवर जो हैं ये पहली भारतीय ताइक्वांडो एथलीट बनी हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, अरुणा तंवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुलखम जाथोंग गंगटे को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अभी ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत गुलखम जाथोम गंगटे, ये ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत बने हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिश और ट्यूनीशिया की करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। तो ये अभी ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत बने हैं गुलखम जाथोम गंगटे। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए थे जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे थे। अब आप लोग वीडियो देखकर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से ला सकूं। वैसे मैंने अपने हिसाब से काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट ही सेलेक्ट किया है, फिर भी मैं और कोशिश करूँगी कुछ अच्छा करने के लिए।
बाकी आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो।